नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खीरे की चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी होता है। खीरे की चटनी बनाने के लिए आपने 1 किलो खीरा लेना है। दोस्तों, ये घर का खीरा है, अगर आप चाहो तो बाजार का भी यूज़ कर सकते, और खीरा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से यूज कीजिएगा। सबसे पहले आपने इस खीरे को अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपने इसका छिलका उतार के इसका छोटा छोटा पीस करें, फिर उस पीस को आपने लंबे लंबे स्लाइस में काटना है। ये देखिए, खीरे को लंबे स्लाइस में काट लिया है, ये देखिए। अब इस कटे हुए खीरे में आपने ये 1 छोटी चम्मच नमक डालना है। नमक डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों, हम लोग नमक इसलिए डालते हैं ताकि आपका जो ये एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब आपने इसको प्लेट से ढक के 15 मिनट के लिए यूं ही रख देना है। ये देखिए, 15 मिनट हो गया, और ये देखिए, ये जो खीरे है ये पानी छोड़ रहा है। अब आपने इसको हथेली की सहायता से आपने इसको खूब अच्छे से दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी और निकालना है। ये देखिए, खूब अच्छे से दबा के इसकी पानी निकाल दें, ये देखिए। और इसको आपने दूसरे बर्तन में रखना है। ये देखिए, खीरा से पानी अलग कर दिया है। दोस्तों, इस खीरे से आप जितना पानी को दबा के निकालेंगे आपका चटनी उतना टेस्टी बनता है, यानी कि जब आप चटनी बनाएंगे तो ये पानी नहीं छोड़ता है। अब हम चटनी बनाते हैं। चटनी के लिए आपने 1 कटोरी बारीक कटे हुए प्याज लेना है। प्याज को आपने लंबे स्लाइस में काटना है। दोस्तों, 1 कटोरी आपने सूखी तिल की चटनी लेना है। ये सूखी तिल की चटनी है, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसको देखने के लिए आपने मेनुका शर्मा किचन में लॉग ऑन करना है। 2 हरी मिर्च को आपने बीच से अलग करना है। 1 छोटी चम्मच आपने ड्राई पुदीना का पत्ता लेना है। 1 बड़ी चम्मच बारीक कटे हुए धनिया लेना है। चटनी बनाने के लिए आपने 1 गहरा सा बाउल लेना है, ताकि हमें चटनी को मिक्स करने में आसान रहेगा। इसमें आपने ये खीरा डालना है। खीरा के बाद आपने ये कटे हुए प्याज डालना है। प्याज के बाद ये सूखी तिल की चटनी डालें। दोस्तों, इस सूखी तिल की चटनी में नमक, टाटरी, लाल मिर्च पाउडर सब कुछ इसी में रहता है, पर इसकी रेसिपी एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ये सूखा पुदीना डालें। इन सब को खूब अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, इन सब को मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद आपने ये कटे हुए हरे धनिया डालना है। धनिया डाल के भी आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए दोस्तों, खीरे की चटनी बन के तैयार हो गया है। अब इस चटनी को हम दूसरे बाउल में डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, खीरे की चटनी को मैंने दूसरे बाउल में डाल दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को डेकोरेट के लिए लिया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप खीरा प्याज में ही हरी मिर्च को डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, खीरे की चटनी की रेसिपी बनके तैयार हो गया है। इस चटनी को आप रोटी, चावल या फिर स्नैक्स के तौर में भी खा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।